सरकार चाहे लाख कानून बना ले, लेकिन बिहार में दहेज लोभियों की काली करतूत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और दहेज लोभी आए दिन कोई न कोई बड़ी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला मोतिहारी पकड़ी दयाल के मंझार गांव का है, जहां के दहेज लोभियों ने एक बार फिर एक नव विवाहिता की हत्या महज एक बाइक के लिए कर दी और शव को एक केले के झाड़ी में फेंक के फरार हो गए। मामले के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक पताही थाना क्षेत्र के बेतौना गांव के रहने वाले रामपुकार सिंह की पुत्री नीरू देवी की शादी आज से महज 3 साल पहले मंझार गांव के बाबू टोला निवासी विक्रम सिंह के साथ बड़े ही धूमधाम से हुई थी और लड़की पक्ष के लोगों ने अपनी शक्ति से अधिक दान दहेज देकर अपनी बेटी नीरू की शादी की थी। लेकिन शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल की डिमांड करते थे और इसके लिए वो नीरू की लगातार प्रताड़ित करते थे। कल नीरू के मायके वाले के सामने उसके ससुराल वालों ने मारपीट की थी और उसके मायके वालों ने वहां से भगा दिया था। जब उसके मायके वाले अपने घर आकर अपनी बेटी की कुशलता जानने के लिए फोन किए तो पता चला कि उसकी बेटी की हत्या हो गई है। आनन फानन में जब उसके मायके वाले वहां पहुंचे तो उसकी बेटी का शव गायब था और ससुराल वाले फरार थे। जब इसकी सूचना थाने को दी गई और जब उसने शव की खोजबीन की गई तो मृतका का शव केले के झाड़ियों में फेंका हुआ था और दाह संस्कार के लिए लकड़ी भी वहां रखा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसे ससुराल वालों की खोजबीन में लग गई है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर मोतिहारी एसपी ने मामले की पुष्टि की और कहा कि पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में एक मृतका का शव बरामद किया गया है। परिजनों ने दहेज हत्या की बात कही है। पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है और अग्रतर कार्रवाई में जुटी है। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है, जिसकी जाँच की जा रही है और मामला सत्य पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। जी, राजेपुर थाना अंतर्गत ये मामला प्रकाश में आया है। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा शव को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। घर वालों के बयान पे मामला दर्ज कर हम लोग जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है, दहेज हत्या का मामला? जी, घर वालों ने ऐसा बताया है तो उनके बयान में तो ये बातें आ रही हैं। हम लोग इसमें गहन जाँच करेंगे, हर बिंदु पर जाँच करके फिर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर पूरी सहयोग नहीं करती तो क्यों जाती वहाँ पर बॉडी को ये करने के लिए, उनका बयान क्यों दर्ज करती? तो ये तो तथ्य से परे लग रहा है ये बात। हमारा लड़की थी नीरू कुमारी, हम शादी किए थे, 3 साल हुआ था शादी का और लोग घर में सा दहेज का पंथा में घर में सा हमारा लड़की का ऑप्शन दे रहा था कि गाड़ी देने के लिए आ कह रहा था कि दहेज नहीं दिया हमको, जो शक्ति था जो थोड़ा बहुत दिए गाड़ी हर में सा मांगता था। कल बुलाने के लिए भेजे हुए थे तो कल नहीं आने दिया। हमारा गार्जियन के सामने वो नटी ओटी धर लिया था सुधीर सिंह, तो हमारा गार्जियन छोड़ा दिया और उसके बाद वो नहीं आने दिया। तो हमारा गार्जियन 3 बजे चल गया और 4 बजे उसके बाद हमने फोन किया हम अपना लड़की के पास, तो उसका ननद उठाई है गुड़िया, तो वो कह रही थी कि भाभी मर गई, 1 घंटा के दर में मर गई। 1 घंटा के पहले हम बात किए थे। तो लाश कहाँ मिला? लाश केरवानी में मिला है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है प्रशासन कहा, हम प्रशासन से बोले कि हमको इंसाफ चाहिए, हमारा लड़की की हत्या कर दिया है। तो प्रशासन कह रहा है कि हाँ इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, बाकी आज तक ले अभी तक ले कुछ नहीं हुआ है। अभी तक कोई नहीं, कुछ भी नहीं कहा है, कुछ नहीं है। ससुराल वाला भाग गया है घर छोड़ के, हमारा एक बच्चा है नाती है उसको भी लेके भाग गया है। कहानी यही हुआ था, जैसे हमारा भाई बड़ा एक है जो पड़ोसी है वो गया था बुलाने के लिए हमारी बहन को, तो तैयार हुई थी, रेडी हो रखी थी, तो लोग नहीं आने दिए, उनके सामने ही मारने लग गए। जो हमारा भाई गया तो उनके सामने ही गर्दन उधर दबोचने लग गए, तो उसके बाद मेरा भाई छुड़ा दिया, फिर बोले क्या ठीक है आप रहने दीजिए हम नहीं लेके जाएंगे, आप लोग नहीं मना कर रहे हो तो रहने दीजिए। फिर उसके बाद 3 बजे की बात आई है, हम लोग वहाँ से मेरा भाई चला आया, फिर 4 बजे हम लोग फ़ोन किए तो जो मेरी बहन का ननद है वो उठाया और बोला क्या भाभी मर गई अचानक से ही, भाई मर गई। फिर हम लोग 4 बजे करीब में आए यहाँ पे, तो हम मतलब 4 बजे वहाँ से निकल गए, तो आए तो हमारे से पहले प्रशासन वहाँ पहुँच चुका था, तो डेड बॉडी नहीं मिला था, तो लगभग 2 घंटा लग गए थे और भी ढेर सारी प्रशासन आए, लगभग वहाँ 2 घंटे कम से कम लग गए थे। तो केरवानी के बागी है बहुत ढेर सारी जंगल है पीछे घर का, वहीं पर घास से ढका हुआ था और जलावन वन सब कुछ रेडी कर दिया जलाने के लिए। हम लोग 10 मिनट में नहीं आते, 10 मिनट लाश जल जाती, हम लोग को पता भी नहीं चलता।
अच्छा हमारी बहन से भेंट भी नहीं होता। क्या है मामला? क्या मामला ये है, दहेज वज के है, मतलब दहेज पैसे कुछ मांग डिमांड था उन लोगों का, तो हम लोगों के पास पैसे थे ही नहीं, तो हम नहीं दे पाए, इसीलिए बोला मार दिया। किससे शादी हुई थी, कहाँ हुई थी शादी? हमारा घर बेतौना हुआ, हम मझार में हुआ था शादी, पताही थाना से पकड़ी जल थाना। अच्छा, किसके साथ? विक्रम सिंह के साथ। क्या करता है विक्रम सिंह? वो हिमाचल में रहता है, पेंटिंग उनका काम करता है। तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारे परिवार में? चलो हम लोग अभी घर पे ही है। घर पे ही? तो ये दहेज के लिए मारा गया? दहेज के लिए। पुलिस अभी क्या बोल रही है? पुलिस तो कुछ सुनवाई नहीं कर रही है, पकड़ी जलता ना कुछ नहीं कर रही। 12 बजे टेम्पू में लाश पड़ी है अभी तक। 12 बजे रात? 12 बजे रात से हम लोग आए हुए यहाँ पे, अभी तक जैसे ऐसी है, कोई सुनवाई नहीं। क्या करे, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं। और थाना से 2-3 बंदे भी आए, और भी लोग कुछ नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं।